आदिवासी मूलवासी संगठन ने राजभवन के समीप एक दिवसीय धरना का आयोजन किया। इस मौके पर स्थानीय नियोजन नीति को लेकर आदिवासी संघ के सदस्यों ने जोरदार हुंकार भरी। इस मौके पर संघ के सारे सदस्यों ने आकर अपना आक्रोश, अपना गुस्सा जनता के सामने व्यक्त किया और कहा कि अगर हेमंत सोरेन सरकार अब होश में नहीं आती है, वो जागती नहीं है, तो 12 मार्च को पूरे देश से लोग आएंगे और ऐसा हुंकार भरेंगे और ऐसा जन आंदोलन होगा जो रुकने से भी नहीं रुकेगा, और ये हुंकार पूरा भारत देखेगा अगर आदिवासी का हक उन्हें नहीं मिला तो। इसके साथ ही उरमांझी से भी कई आदिवासी सदस्य पैदल चलकर आए और उन्होंने भी हुंकार भरते हुए कहा कि ये सरकार हमारा हक मार रही है, अगर हक मांगेगी तो हम इन्हें चीर देंगे, प्यार से बोलेगी तो खीर देंगे। इस तरह की डायलॉग बाजी के साथ इन्होंने अपने आक्रोश को व्यक्त किया। आइए सुनते हैं संघ के सदस्य सुदेश उरांव और सुरेश उरांव ने क्या कुछ कहा। कौन होता है? हम तो देश के सामने जनता हुंकार भर रहे हैं। हेमंत सोरेन हमसे तो आधा उम्र का आदमी, मुख्यमंत्री होने से कोई बहुत बड़ा विद्वान और बहुत बड़ा सशक्त व्यक्ति हो जाता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि उन्होंने वायदा किया था कि स्थानीय और नियोजन नीति लागू करेंगे, अब तक क्या हुआ? 2 साल गुजर गए, झारखंड के बनने 21 साल हो गए, आपने अभी तक बनाए नहीं। और स्थानीय नियोजन नीति के अभाव में आपने 50,000 लोगों की बहाली बाहर के लोगों की है और करते जा रहे हैं रोज दिन, स्वास्थ्य विभाग में, दूसरे विभागों में, यहाँ के स्थानीय लोगों के हक हकियत को, आरक्षित वर्गों के संवैधानिक अधिकार को अवहेलना करते हुए शर्म नहीं आती सरकार को? ये बातें उठाई जा रही है। 21 साल बीत गए, आप बिहार में जाइए, आपको बाहर का के नौकरी नहीं देता है लोग, थर्ड और फोर्थ ग्रेड में। आप उत्तराखंड चले जाइए, दूसरे की किसी भी राज्य में चले जाइए, स्थानीय नीति है। और झारखंड क्यों बना? यहाँ के निवासियों के लिए बना। और यहाँ पर आप अध्यक्ष बहाल करते हैं JPSC का, बाहर के लोग, आप यहाँ पर सबोर्डिनेट सर्विस कमीशन के अफगान बाहर लोग के लोग, और आप यहाँ पर बहाल करते हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल अफसर लोग को, क्या मजाक है कि स्थानीय मूल निवासी कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? ये सवाल पैदा हुआ। यहाँ के राजनीति में आप देखिए क्या हाल है, शासन में देखिए, लोगों का लगता है कि भ्रष्टाचार का उद्योग हो गया है, ट्रांसफर पोस्टिंग में इतना लेन देन, जनता का काम काज में इतना लेन देन, प्रखंड से थाना से लेकर के आप क्या करके देखिए, राज्य स्तर पर सारे जगह भ्रष्टाचार का गूंज हो रहा है, दुनिया शुतुरमुर्ग जैसा मालूम है, मुंह घुसा दिया और देख रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, क्या मतलब है? तो हम चाहते हैं झारखंड में भ्रष्टाचार मुक्त शासन, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, और यहाँ पर टॉप जो कंट्रोवर्शियल अफसर हैं उनको मुख्य पदों पर दे दिया ताकि वो तहसील बढ़िया से कर सके। क्या धंधा है टॉप कंट्रोवर्शियल ऑफिसर से, क्या कुछ मतलब इसको थोड़ा बताइए? कंट्रोवर्शियल होता है जिसका यहाँ पर बड़े बड़े धन संपत्ति है, तो यूपी बिहार में जाके देख लीजिए, वो लोग यहाँ से कमाई करते हैं और भेजते हैं पैसा और अपना बना रहे हैं, और यहाँ का बंदरबांट हो रहा है सरकारी खजाना का, पब्लिक का थैला का, लोगों का लूट हो रहा है। तो ये झारखंड क्यों बना, ये सवाल उठ रहा है। देखिए DC के ऑर्डर पे एकलव्य आदिवासी की जमीन पर एकलव्य स्कूल बन रहा है, तो DC ने कहा था कि हम इस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, फिर भी उन्होंने 1 महीने का नोटिस दिया, इस पर क्या कहेंगे? आपको लगता है ये मनमानी हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स हो रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स का? रांची का DC है, DC के भी समय क्या यहाँ पर आएगी, DC 418 तो केंद्रीय कारखाने बनेंगे, प्रकल्प है ना केंद्र सरकार की, तो यहाँ लागू जनता चाहे और वही होगा, और जबरदस्ती RSS का बनाया हुआ कानून को लागू करेगा, स्कूल को लागू करेगा, RSS के कॉन्सेप्ट पे अभी तक ये चीज बनी है, उसको आदिवासी समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। आदिवासी समाज कोई ऐसा डिक्टम को बर्दाश्त नहीं करता है जो RSS का हो, इसलिए लोग विरोध कर रहे हैं। और वीर जगत का जहाँ जन्म स्थल है वहाँ बहुत बड़ा क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र है, धर्म और कर्म का क्षेत्र है, वहाँ पर सोचना चाहिए, अगल बगल बनाओ, दूसरे जगह बनाओ और अपना काम निकाल, हम उसको विरोध थोड़े करते हैं, स्कूल बनना चाहिए है ना, लेकिन दूसरे जगह बनना चाहिए, वो क्षेत्र
कल को दिन में दिन होगा सब भगवान, ये तमाम लोग का जो क्षेत्र है वो पवित्र है, वहाँ पर किसी तरह का ये स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए, ये मेरी मान्यता है। डेवलपमेंट के नाम पे आदिवासियों को लूटा जा रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा? अरे डेवलपमेंट का शिकार बने हैं, यहाँ पर विस्थापन पलायन के शिकार हुए हैं, बड़े बड़े कारखाना की बात है, बड़े बड़े उद्योग बने, बड़े जमीनें ली गई, विस्थापित किया गया और उनका धंधा को झोपट कर दिया गया। हम चाहते हैं कि झारखंड में उद्योग का विकास, आदिवासी मूल बसों के जीवन यापन के तौर तरीके पर आधारित इंडस्ट्रीज बनना चाहिए जिससे वो लोग रिसीव कर सके, और ये झारखंड यहाँ के लोग की सहभागिता से ही ये झारखंड में उद्योग का विकास हो सकता है। यहाँ जंगल जमीन का सवाल बहुत दिन से उठ रहा है, उन तमाम सवाल का जवाब अगर नहीं मिलेगा, उद्योग केवल अबानी अंडानी अबानी के रहमो क्रम में बनेगा क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ यहाँ के लोग उद्योगपति बने, यहाँ के लोग इंडस्ट्रीज बने, यहाँ के लोग बने और तमाम चीज में भागीदारी हो और राजनीतिक भागीदारी भी यही करो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी यही करो, ये मेरी मांग है। यहाँ के बाद आगे जनवरी को दही चूड़ा के साथ कहा गया कि सभी सामाजिक संगठनों का हम सम्मेलन करा रहे हैं रांची में, उसके बाद 12 मार्च लाखों की संख्या में आदिवासी मूलवासी रांची कूच करेंगे और हम वहां पर कड़ा संदेश देंगे रांची और भ्रष्टाचार मुक्त शासन और रोजगार युक्त शासन हम चाहेंगे, और शासन और प्रशासन में कोई भ्रष्टाचार नहीं, ऐसी राज्य की कल्पना हम करना चाहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए चिंता के साथ।